अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। सो वेलकम बैक टू हम दो हमारे चार ब्लॉग्स। तो जी, आज का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हम लोगों ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। मतलब ऐसी कोई बड़ी पार्टी वार्टी नहीं थी, बस हम लोग घर के जो 6 मेंबर्स हैं ना, हम लोग आपस में ही मिल के जो है थोड़ा बहुत केक काट लिए और गिफ्ट दे दिए बस इसी तरह से, और कुछ स्पेशल पका लिए, इस तरह से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो वही मैं आप लोग के साथ आज पूरा शेयर करूँगी। तो अभी जो है ना, ये एक दिन पहले का क्लिप आप देख रहे हैं। मतलब कल एनिवर्सरी थी ना, तो एक दिन पहले मैं निकली थी हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेने के लिए। तो फलक को तो पता था कि कल हम लोग की एनिवर्सरी है, इसीलिए मैं फलक को लेके गई थी। और दूसरी बात यह कि आरिस जो हम लोग के साथ में है, तो उसको संभालने के लिए भी तो एक लोग चाहिए। तो बेचारी फलक की पतली गर्दन मुझे हरदम मिलती है पकड़ने के लिए। तो वो फलक आरिस को जब तक संभाल रही थी ना, तब तक मैं यहाँ गिफ्ट देख रही थी। और सबसे पहले ना मैं शूज़ के सेक्शन में आई थी, लेकिन शूज़ जो है ना वो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। साइज़ वगैरह तो मैं घर से देख के आई थी, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि इनको कौन सा पसंद आएगा नहीं आएगा। तो बहरहाल फिर शूज़ की आइडिया हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद जो है मैं गई यहाँ कैप वैप वगैरह जहाँ मिलती है ना वहाँ पर, और हस्बैंड बहुत कैप के शौकीन भी हैं, तो फिर जो है मैंने सोचा कैप ले लेते हैं। फिर वो भी आइडिया ड्रॉप कर दी। फिर मैंने शर्ट देखी, जीन्स देखी। आदमी लोग के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि मतलब उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है इतना ज़्यादा देने के लिए गिफ्ट। तो जैसे औरतों का कितना अच्छा अच्छा ऑप्शन होता है, गोल्ड दे दिए, फिर कपड़े दे दिए, फिर उसके बाद जो है बहुत मेकअप दे दिए, कुछ नहीं तो किचन के बर्तन के सेट दे दिए, उसी में औरतें खुश हो जाती हैं। लेकिन आदमी लोग के पास बहुत कम ऑप्शन रहता है। तो बड़ी मेहनत से मैंने और फलक ने मिल के डिसाइड किया, और मैंने क्या ली हूँ वो मैं घर जाके आप लोगों को लास्ट में दिखाऊँगी जब हम केक वेक काटेंगे तब। तो जी, अब हो गया है गिफ्ट डन और हम जा रहे हैं अब फाइनली घर। तो यहाँ से अब नेक्स्ट डे का क्लिप स्टार्ट होता है। मतलब ये एनिवर्सरी वाला दिन है, और आज पता है सुबह सुबह क्या कांड हो गया। आज सुबह से ही पनौती लगी हुई थी। मतलब कि आज ना आरिस को और सब बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था टिफ़िन विफिन बना के, और एकदम बस आ गई ना, तो क्या हुआ कि आरिस के नाक से खून निकलने लगा। तो हस्बैंड ने कहा आरिस को मत भेजो आज स्कूल। तो हम सब आरिस के पीछे पीछे लगे हुए थे कि उसके खून निकल रहा था। तो मैंने फलक से बोली थी कि तुम जो है बस आएगी तो चली जाना। तो ये मैडम पता नहीं किस ख्यालों में खोई हुई थी, बस आई और बस चली भी गई। तो जो है फलक की बस छूट गई, इसलिए फलक भी आज स्कूल नहीं गई। और ये ज़ईम यहाँ बैठा है पढ़ रहा है। तो ज़ईम की जो है ना वो तो छुट्टी है, क्योंकि उसके हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो जब हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं ना, तो सिर्फ एग्ज़ाम के दिन जाना होता है, बीच में जो है 3-4 दिन छुट्टी चलती है। तो ले दे के जो है वो बस अफ़ान स्कूल गया है, और आज सुबह ही सुबह से जो है सब गड़बड़ चल रहा है। और यहाँ पे ना अब मैं भी फ़्रेश होके आ गई थी, क्योंकि मैं अब किचन में जाने वाली हूँ, तो उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ का भी सीन देख लीजिए। रात में जो है वो 12 बजने के बाद हस्बैंड ने यहाँ पे बुके और जो है वो कार्ड रखे थे, और उन्होंने सोचा कि वो मुझे 12:01 पे देंगे। लेकिन जो है ना मैं सो रही थी घोड़ा बेच के। असल में मैं 5:30 बजे से सुबह से उठी रहती हूँ ना, तो मेरी आँख ही नहीं खुली। ज़िंदगी में पहली बार जो है इनको याद था कि हम लोगों की एनिवर्सरी है, और वो भी कैसे, ऑफिस में किसी से कह के रखे थे कि मतलब मुझे एनिवर्सरी के 5 दिन पहले से आके रिमाइंडर देती रहना कि सर कल आपकी एनिवर्सरी है। तो इस तरह इनको याद था, अदरवाइज़ मैं ही हमेशा इनको पहले विश करती हूँ। तो बहरहाल अब यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। एनिवर्सरी है तो क्या मतलब काम वाम से छुट्टी तो मिलने वाली नहीं है, वो तो बस शादी का दिन ऐसा होता है कि लोग बैठा के आप लोगों को खाना खिलाते हैं दुल्हन को और ऐसा करते हैं, लेकिन उसके बाद से सब लोगों को अपने अपने काम पर लग जाना पड़ता है। तो मैं भी बस अपने काम पर जल्दी से लग गई हूँ। मैंने सोचा कि कुकिंग स्टार्ट करने से पहले जो है ना मैं यहाँ सब आज बेडरूम की ना बेडशीट्स चेंज करी थी, तीनों बेडरूम की, तो मैंने सोचा आज वही लगा देती हूँ। तो जब तक खाना बनेगा तब तक यहाँ पर जो है वो कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है ना मैं किचन में आके इन लोगों के खाने का इंतज़ाम कर रही हूँ। और आज लंच के लिए मैं कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ। असल में कल रात में मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी और इतनी बेहतरीन सी मिक्स दाल, लेकिन ये बच्चे जो है ना इन लोगों के, मतलब इन लोगों को सब्ज़ी खिलाना मतलब जंग लड़ने के बराबर होता है। और कल भी इन लोग इतनी रोटी से छू छू के सब्ज़ी खाए थे, और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा ये कौन खाएगा, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं दूसरी चीज़ बनाने वाली नहीं हूँ। तो अगर तुम लोगों को शाम में कुछ अच्छा अच्छा खाना है नॉनवेज, तो पहले ये सब्ज़ी को ख़त्म करो। तो आज मैं यही चलाऊंगी। तो लंच वगैरह करने के बाद जो है मैंने ना डिनर की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और आज मैंने सोचा है कि मैं कीमा मसूर पुलाव विद स्पेशल चटनी बनाने वाली हूँ रात के लिए। तो उसके लिए ना जो रेड वाली छिलके वाली मसूर की दाल आती है ना, वो मैंने 1 कप भिगा दी हूँ। और अब यहाँ पे मैं ब्राउनी की तैयारी करने लगी हूँ। बहुत दिन से बच्चे पीछे पड़े थे ब्राउनी बनाने के लिए, और वो भी ब्राउनी सिज़लर।
तो जो है मैंने कहा था कि ठीक है मैं बनाऊंगी एनिवर्सरी के दिन बनाऊंगी, तो जो है बस आज वही मैं बना रही हूँ। लेकिन ना आज मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी के साथ नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि जो है मैं इसको बस फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। वैसे केक वगैरह तो मैं बहुत बेक करती रहती हूँ, लेकिन केक जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है ब्राउनी से। केक थोड़ा स्पॉन्जी होता है और ब्राउनी जो है ना वो थोड़ी सी मतलब क्रिंकल रहती है और मतलब थोड़ी सी अलग किस्म की रहती है, वो सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं रहती है। तो ये फर्स्ट ट्रायल है, अगर अच्छा बनेगा ना तो फिर जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वरना पता चला मैं आज शेयर भी कर दूँ क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स वगैरह और अच्छा नहीं बना तो आप लोग के भी जो है पैसे वगैरह ज़ाया हो जाएंगे। और एक और बात है ना, मुझे बहुत सारे कमेंट इस तरह के आते हैं कि आप अपना फेस क्यों नहीं दिखाती हैं। मतलब अगर 100 कमेंट आएंगे ना तो उसमें से जो है 60% कमेंट यही रहते हैं कि आप अपना फेस क्यों नहीं दिखाती हैं। तो प्लीज़ मैं एक ही रिक्वेस्ट आपसे करूँगी कि मुझसे मत पूछिए कि आप अपना फेस क्यों दिखाती हैं, मैं नहीं आ सकती सामने। और जब चैनल इसी तरह से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से और मज़े की रेसिपी मिल रही है आप लोगों को और डेली रूटीन में शेयर करती रहती हूँ, मोटिवेशनल वीडियो शेयर करती रहती हूँ, तो इसी तरह चलने दें चैनल को, फेस दिखा के क्या करना है। बातों बातों में यहाँ पे ब्राउनी का बैटर भी बिल्कुल रेडी हो गया है और इसे जो है ना मैं गैस पे नहीं बेक करूँगी, बल्कि जो है ना इसको मैं माइक्रोवेव ओवन में डालूँगी। और ये कन्वेक्शनल है, मतलब इसमें कुक भी होता है, और ये रिसेंटली 1 साल पहले हम लोग ने लिए थे और पैनासोनिक का है ये। तो मतलब इसके अंदर जो है ना बहुत सारे फीचर्स हैं। देखिए इसमें सेंसर मेन्यू का भी ऑप्शन है, मतलब अपने आप जो है वो सेंसर से पक सकता है इसके अंदर खाना, और हेल्दी फ्राई वाला ऑप्शन है, और कुकीज़ मेल्ट करना है या केक वगैरह बेक करना है तो क्रोइसेंट अरबिक ब्रेड सब कुछ इसके अंदर ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट नंबर सिलेक्ट कर लेना होता है। तो मैंने यहाँ पे 21 नंबर सिलेक्ट कर ली हूँ जो कि होता है केक का। और ये जो है ना अगर आपको टाइम नहीं पता है तो आप ऑटो सेंसर सिलेक्ट कर लेंगे ना तो अपने आप जो है वो पक जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखें चादर वगैरह जो है ना वो वॉश हो गई थी तो उसे जो है मैंने बाहर डाल दी हूँ, शाम तक सूख जाएंगी। और अब मैं यहाँ पे तैयारी करने लगी हूँ कीमा की, और कीमा और मसूर दोनों साथ में मैं चढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले कीमे के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ऑयल जो है वो गर्म हो गया था तो उसके अंदर मैंने डाल दी हूँ ज़ीरा, और ज़ीरा जैसे ही क्रैकल होने लगा तो उसके अंदर मैंने लंबी कटी हुई प्याज ले ली हूँ। अच्छा कीमा जो है ना वो आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसके लिए मैंने 3 बड़ी प्याज ले ली थी, और अच्छी तरह से प्याज को जो है ना वो हम लोग गोल्डन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और यहाँ पे जो मसूर की दाल थी ना उसे भी मैं चढ़ा देती हूँ, तो उसके अंदर जस्ट हम लोग को नमक डालना है और हल्दी और 2 हरा मिर्चा जो है वो मैं तोड़ के डाल दूँगी। अब इसको हम लोग बॉईल करेंगे जब तक कि जो है उसका पानी सूख जाएगा और जो है वो मसूर की दाल गल जाएगी। यहाँ पे कीमे की प्याज हो चुकी थी तो उसके अंदर जो है मैंने डाल दी हूँ कीमा, और इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया था मैंने, और ये बिल्कुल ड्राई कीमा है। तो इसके अंदर जो है ना मैंने डाल दी हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो कि है 1 टेबलस्पून ईच, और देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट पूरा का ख़त्म हो गया है, वो भी मुझे अभी छीलना है। और उसके बाद जो है ना मैंने इसको भूनने के लिए रख दिया था, जैसे कीमा हम लोग भूनते हैं ना उसी तरह से बनेगा ये, ज़्यादा कुछ अलग मसाला नहीं होता है कीमे का। अच्छा उसके बाद इसके अंदर मैंने 2 चम्मच जो है वो धनिया पाउडर डाली हूँ, और 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और गरम मसाला पाउडर जो है वो 1/2 चम्मच, और फिर उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दी हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। वैसे तो ये रेसिपी मैंने अपने चैनल पे 2 दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ बहुत पहले, लेकिन जो है बहुत सारे सब्सक्राइबर्स न्यू ज्वाइन हुए और मुझे पता था कि 100% इस रेसिपी की रिक्वेस्ट ज़रूर आएगी क्योंकि ये इतनी लजीज बनती ही है। यहाँ पे कीमा जो है वो भून गया था तो इसके अंदर है ना मैंने डाल दी हूँ मिर्चा पिसा हुआ। तो मिर्चा जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, तीखा खाते हैं तो ज़्यादा ले लीजिएगा, तो मैंने जो है वो बस 2 चम्मच भर के ली हूँ। और उसके बाद जो है 3 मीडियम साइज़ की टोमेटो मैंने छिलका उतार के डाल दी थी, और इसको है ना तब तक भूनेंगे जब तक कीमा जो है वो पक जाएगा और टमाटर गल जाएगा। तो ये जो है ऑलमोस्ट डन है। और यहाँ पे देखें सुबह से बेचारी फलक जो है वो आरिश के साथ खेल रही थी जब तक कि मैं अपने घर के कामों में लगी हुई थी, लेकिन अब जो है ओवर हो गया है। फलक कह रही अब मैं इसके साथ और नहीं खेल सकती, वो बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है आरिश। तो बीच बीच में ना मैं आ रही थी यहाँ पे आरिश के साथ खेलने के लिए, और मैंने उसे टीवी भी लगा के दिया था कि वो टीवी थोड़ा सा देख लेगा, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको टीवी में, और वही वो ज़िद कर रहा था कि आइए खेलिए हमारे साथ खेलिए। जब स्कूल रहता है ना तो बहुत आसानी से खाना बन जाता है, घर के सारे काम रहते हैं कि आरिस जो है वो स्कूल में रहता है, लेकिन जब घर में रहता है तो ऐसे ही होता है।
अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ना चटनी की तैयारी स्टार्ट कर दी हूँ। तो तेल जो है ना वो गरम हो गया था और उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाल दी हूँ और उसके बाद जो है बारीक कटे हुए लहसुन डाल दी हूँ। बहुत ही इजी है और इतनी झट से बनती है और एकदम डिफरेंट है। अच्छा, ये आलू जो है ना आप अच्छे से देख लें कि अंडे वाली प्याज कटती ना उसी तरह का बारीक बारीक मैंने आलू काटी हूँ और उसी तरह छिलका निकाल के बारीक बारीक टमाटर। तो आलू जो है वो है 2 बड़े साइज़ का और टमाटर 3 छोटे साइज़ का है और इसके अंदर ज़्यादा कुछ भूनना भी नहीं है, बस हल्दी और नमक डालेंगे और तेज़ आँच पर इसको हम लोग 15 मिनट के लिए ना भूनेंगे। अच्छा, इसको अभी सीटी नहीं लगानी है, जब हम लोग खाने बैठेंगे ना उस टाइम पे इसको सीटी लगाना है। तो अभी जो है ना मैं इसको बस भून के छोड़ दूंगी गैस बंद करके, सीटी नहीं लगाऊंगी। तो रात के लिए कुकिंग का ऑलमोस्ट पूरा मेरा डन हो गया है और यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं किचन भी साथ ही साथ समेटती जा रही हूँ, तो मेस नहीं बनेगा। और यहाँ पे अफ़ान का भी टाइम हो गया था स्कूल से आने का, अफ़ान आ गया है, आरिज इंतज़ार ही कर रहा था दरवाजे पे। अस्सलाम वालेकुम, मास्क। स्कूल से आने के बाद जो है ना मैं बच्चों से कहती हूँ कि ऊपर जाने से पहले, कपड़ा चेंज करने से पहले तुम लोग अपना टिफिन और वाटर बॉटल सब निकाल के जो है वो सिंक में डाल दो, क्योंकि एक दफ़ा अगर इन लोग ऊपर चढ़ जाते हैं ना तो जो है ये टिफिन वगैरह बैग में ही रह जाता है। और यहाँ पे अब हो गई है शाम और हस्बैंड के आने का टाइम हो गया था और हस्बैंड ना आने के बाद फ़ौरन जो है वो खाना खाते हैं, जितनी जल्दी उनको खाना दे दो उतनी वो खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो चटनी मैंने भून के रखी थी उसमें बस थोड़ा सा पानी डाल के मैंने सीटी लगा दी उसको, और जो मसूर पुलाव के लिए जो चावल था ना उसे मैंने ज़ीरा नमक और खड़ा गरम मसाला डाल के बॉईल कर ली थी, जैसे हम लोग बिरयानी का राइस बॉईल करते हैं। और उसके बाद जो है मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यहाँ पे अब लेयर लगाने वाला प्रोसेस। तो सबसे पहले मैंने एक तवा रख दी हूँ नीचे ताकि जो है वो चावल चिपके नहीं, और उसके बाद वही हम लोग लेयर लगाएंगे। तो लेयर जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से लगाइए जैसे आपको पसंद है। अगर आप चाहते हैं कि चावल की एक लेयर हो, फिर कीमे की और फिर चावल की, फिर मसूर की दाल की, तो वैसे ही करें या जैसे आपको पसंद है। तो मैं बेसिकली वैसे ही करती हूँ, एक लेयर चावल, फिर कीमा, फिर चावल, फिर मसूर की दाल, फिर चावल, फिर कीमा, इस तरह से। और लास्ट में जो है वो मैंने डाल दी हूँ इसके ऊपर घी, असली घी तो नहीं डाली हूँ, वो तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। तो ये मार्केट से जो घी लाए थे वही मैंने डाल दी हूँ, और उसके बाद तली हुई प्याज और कटी हुई धनिया की पत्ती, और इसको मैंने दम देने के लिए रख दी हूँ। और यहाँ पे देखें ये जो चटनी थी ना आलू और टमाटर की, तो वो गल चुकी थी, आलू गल गया था, इसको अच्छी तरह से हमें ना करछुली से मैश कर देना है कि कुछ आलू जो है वो गला हुआ रहे और कुछ आलू जो है इस तरह से खड़ा खड़ा रहे। अब उसके अंदर धनिया की पत्ती और हरी मिर्ची और लहसुन, इसको मैंने पीस के चटनी बना के रखी थी, और ये चटनी बिल्कुल गीली होनी चाहिए एकदम पानी की तरह से, तब ये चटनी ना गीली गीली सी अच्छी लगेगी, आलू टमाटर की चटनी। और जब हम लोग खाने बैठेंगे ना उसी टाइम इसको बनाना है, अगर आप पहले से बना के रखेंगे ना तो ये एकदम थिक हो जाएगी और फिर खाने के टाइम जो है ना वो अच्छी नहीं लगेगी। तो ये आलू टमाटर वाली चटनी जो है ना वो ऐसी गीली गीली रहती है। यहाँ पर ज़ईम फलक खाना लगा रहे थे और हस्बैंड जो है उनकी तफरी ले रहे थे। कम से कम पार्टी तो तुम लोग को रखना ही चाहिए, अब तो तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम लोग को मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते पार्टी? पार्टी और क्या, तुम लोग को जो है बाहर से ऑर्डर करना था, चीज चाहिए था, चिली से मंगवाना चाहिए था, केक मंगवाना चाहिए था, पीएफ चैंग से मंगवाना चाहिए था। हस्बैंड जो हैं वो मजाक कर रहे हैं बच्चों के साथ कि तुम्हें जो है पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए थी तुम लोगों को, और खाना बाहर से मंगवाना चाहिए था, यही सब। और इस बार जो है ना माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उन्होंने ना सरप्राइज़ गिफ्ट जो है वो अरेंज किया था हम लोगों के लिए। और मुझे जो है ना ये कुछ तो अंदाज़ा था कि कुछ गड़बड़ चल रहा है घर में, क्योंकि जो है मैं तो सीसीटीवी कैमरा की तरह 24 घंटे घूमती रहती हूँ घर में कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। तो चलते फिरते मुझे कुछ लग रहा था कि इन लोग कुछ न कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है घर में। सो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे कि बच्चों ने क्या गिफ्ट लाया है अपनी पॉकेट मनी से हम लोगों के लिए। तो फाइनली जो है अब आ गया है सिज़लर ब्राउनी खाने का टाइम, और इतना लेट हो गया था, मतलब 8 बज गया था, तो बच्चों का ना सोने का टाइम हो गया क्योंकि सुबह उन लोग का स्कूल है, 5:30 बजे उठना रहता है। तो देखिए आरिस जो है वीडियो में है ही नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी सो चुका था, और उसको ना अगर हम लोग लेट तक उठा के रखते तो फिर जो है वो सुबह उठने में दिक्कत करता। और बाकी 3 बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हैं, तो वो एक आध दिन अगर लेट भी सोएंगे तो मैनेज कर लेंगे। तो
ब्राउनी सिजलर जो है वो बहुत ही मस्त बना था। मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी और कल जो है ना टिफ़िन में मैं बच्चों लोगों को यही देने वाली हूँ, कीमा मसूर पुलाव चटनी और ब्राउनी। तो बहुत मज़ा आई थी, एकदम गरम गरम ब्राउनी और ठंडी ठंडी आइसक्रीम और हॉट चॉकलेट जो है वो सिरप था इसके ऊपर। और फिर हस्बैंड कह रहे थे कि चलो तुम्हें जो है मैं एनिवर्सरी गिफ्ट दिला दूं, क्योंकि ना वो मुझे हमेशा पसंद करवा के ही दिलाते हैं। तो मैंने कहा आज नहीं, बहुत लेट हो गया है, तो वीकेंड पर हम जाएँगे एनिवर्सरी गिफ्ट लेने। और मैं सोच रही हूँ मैं एक ब्रेसलेट लूँगी, तो जो भी हम लोग लेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए फलक को। Wow! This is excellent! Wow! क्या है? की? Oh! मस्त है। And my party? Your party भाई ना सुनिए। ए पलक, क्या खाली अब्बा की एनिवर्सरी है? हाँ। हमारी नहीं है? है ना? तो हमारा गिफ्ट कहाँ है? किधर? ओ ओ वाह, वाह, पार्टी तो बनती है जबरदस्त। ये किसकी चॉइस थी? माइन। भाई ने कुछ करा ही नहीं, हमारी क्लास शुरू हो गई थी। वाह वाह, पार्टी तो बनती है। अफान, व्हाट डिड यू गेट? नथिंग। और वो वहाँ क्या रखा हुआ है? इसके लिए लाए हैं जो सुबह से वहाँ रखा हुआ है। Tere 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 tere।